Assalamualaikum friends and welcome to Balochistan Education Channel. So friends, आज का वीडियो किस चीज पर है? आज का हमारा वीडियो है English language grade 8 के जिस बुक है उस पर है. फ्रेंड्स, इस बुक में हमें क्या करना है? इस बुक में हमें जो पढ़ना है और जो चैप्टर्स है उनसे पहले हमें क्लास 7 का एक छोटा सा रिवीजन करना है. तो उस पर हमने एक वीडियो पहले बनाया था और अभी उसी का जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर हमारा दूसरा वीडियो बनेगा. तो फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. दोस्तों, ये देखिए, विच इज़ द करेक्ट ending of the sentence in the reported speech. अब आपके पास एक स्पीच है, ठीक है. एक बंदे ने एक बात की. देखिए यहाँ पे इना, ये इना है और ये इसकी बातें हैं. मतलब ये जो बात, ये जो सेंटेंस है, ये जब भी इस तरह से डबल कॉमा स्टार्टिंग और लास्ट में दी जाती है तो ये इस चीज़ को शो करता है कि आपका ये सेंटेंस एज इट इज़ कॉपी है जो इना ने बोला था, ठीक है. इसमें हमने खुद से कोई बात नहीं डाली. तो इना ने कहा है दे लिव इन कराची, और हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक करेक्ट एंडिंग इसमें डालना है जो कि हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है. ये सेंटेंस इना ने बोला है, ये हम बोलेंगे और इसमें एक एंडिंग डालेंगे कि भाई हिना ने क्या बोला है. अब यहाँ पे देखते हैं एक दफ़ा कि चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड माइंड द टेंसेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब्स, ठीक है. आपके पास ये दोनों है ऑप्शंस है और आपके पास क्लास 7th में रिपोर्टिंग वर्ब्स थे, उनको दिमाग में डालकर आपने ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं. दोस्तों, जब भी हम किसी की बात को दोहराते हैं, जैसे इना ने अभी ये बात कही तो ये प्रेजेंट में हुआ. हम कहेंगे कि इना ने ऐसा कहा है तो वो क्या होगा, वो पास्ट में जाएगा, क्योंकि वो तो कह चुकी, वो गुजर चुका है, वो लम्हा चाहे एक मिनट ही पहले कह चुकी हो तो वो पास्ट हो जाता है ना, वो रिपीट वापस नहीं लाया जा सकता. अगर इना कहती है दे लिव इन कराची तो हम कहेंगे कि इना सेड दैट. इसका मतलब क्या है, इना ने कहा कि दे लिव्ड इन कराची, ठीक है. ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये होगा दे लिव्ड इन कराची. ऐसा क्यों? क्योंकि इना ने ये पहले कहा था. हम बोल रहे हैं कि इना ने ऐसा कहा है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि दे लिव्ड इन कराची, वो कराची में रहते थे या रहते हैं, या उसने ऐसा बोला कि वो कराची में रहते थे, क्योंकि अब ये बात गुजर चुकी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट पहले इना ने ये बात कही और आपने सुना, आप गए दूसरे रूम में किसी और के पास, आप उसके साथ बातें कर रहे थे और फिर उसने कहा कि इना ने क्या कहा है, तो आप इना की ये बात रिपीट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इना ने कहा था कि वो कराची में रहते थे या कराची में रहते हैं. तो उसके लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करोगे क्योंकि हमारा जो रिपीटिंग वर्ब्स है उनके हिसाब से ये आएगा, ठीक है. नेक्स्ट, अच्छा ये हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. ताहिर, अब ये ताहिर है और ये ताहिर की बात है, ठीक है. दे डोंट इनवाइट स्टूडेंट्स टू द पार्टी. ताहिर ने एक जुमला कहा है जिसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स को दावत पर नहीं बुलाते, ठीक है. पार्टी उर्दू में तो दावत ही होता है. तो अब मैं ये बात दोहराऊंगी कि ताहिर ने क्या कहा है मुझसे. ताहिर टोल्ड मी दैट, अब कौन सा एंडिंग इसमें आएगा, दे डू नॉट इनवाइट स्टूडेंट्स टू द पार्टी या दे डिड नॉट इनवाइट स्टूडेंट्स टू द पार्टी. तो दोस्तों, इसमें ये आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जब बोल रहा था तब वो प्रेजेंट में था, उसने कहा कि वो नहीं बुलाते. जब हम उसकी बात रिपीट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो तो हमेशा नहीं बुलाते या बुलाते थे, ठीक है. तो ये वाला सेंटेंस आएगा एंडिंग में. थोड़ा समझने में मुश्किल होगा उनको जो मतलब डायरेक्ट ये वाला पढ़ रहे, अगर हम जो हमारे पास क्लास 7th की बुक है उसको पढ़ते और फिर ये करते तो फिर
थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाती क्योंकि थ्योरी मैं एक्सप्लेन करती, लेकिन यहाँ पे थ्योरी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें सिर्फ ये बताना है, ये फिल करना है कि इनमें कौन सा लगेगा। ये तो एक रिवीजन है जो हमने पढ़ा है सेवन्थ में। अब सेवन्थ में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी तो उसकी रिवीजन है, आपको एक आइडिया है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है या भूल गए, तो उसके लिए ठीक है। नेक्स्ट है टीचर। अब टीचर क्या बोल रही है, शी अंडरस्टैंड्स जापानीज। टीचर ने एक जुमला कहा है कि वो जापानी समझती है। अब अंडरस्टैंड्स जापानीज मतलब वो हमेशा समझती है, ऐसा नहीं है कि कल समझती थी आज नहीं समझती थी, ठीक है। तो ये जुमला थोड़ा चेंज है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने गौर देखना है। अब यहाँ पे टीचर को हमने बोलना है कि टीचर रिमार्क्स दैट, टीचर ने एक स्टूडेंट के बारे में अपने रिमार्क्स दे, ठीक है, ये वही बात है कि उसने बोला है, ठीक है, सईद हम बोल सकते हैं, लेकिन रिमार्क्स देना ये कि मतलब एक अपने ख्यालात को किसी के बारे में बताना, तो ठीक है। अब क्या कहा कि कहा उन्होंने कहा कि शी अंडरस्टैंड्स जैपनीज, वो जैपनीज समझती है। तो अब जब हम बोल रहे हैं कि टीचर ने ऐसा कुछ बोला है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी अंडरस्टैंड्स जैपनीज और शी अंडरस्टूड जैपनीज। अब शी अंडरस्टूड जैपनीज तो ये है कि उसने उस टाइम समझ लिया, मतलब एक टाइमिंग था उसके ड्यूरेशन में उसने ये चीज़ समझ ली। अब समझती है या नहीं समझती इस चीज़ को हम शो नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे शी अंडरस्टैंड्स जैपनीज ये इस चीज़ को शो कर रही है कि वो हमेशा समझती थी, हमेशा समझती है और हमेशा जो है समझती रहेगी, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन को देख ले कि ऐसा कंडीशन है जो हमेशा रहेगी, जबकि अगर हम पहले कराची की बात करें तो वो हमेशा कराची में नहीं रहेगी, हो सकता है वो अपना लिविंग जो है सिटी चेंज कर दे जहाँ पे वो रहती है। और यहाँ पे भी जैसे कि वो पार्टी में इनवाइट करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसको जब इन्हें समझ आती है तो ये एक लैंग्वेज है और ये इसको हमेशा समझ आएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है सलीम क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बिलाल डजंट कलेक्ट स्टिक्स। उसने एक सेंटेंस कहा है और इस सेंटेंस में उसने ये कहा है कि बिलाल जो है वो हमारे लिए छोटे छोटे स्टिक्स है यानी लकड़ियों के जो वो होते पीसीज होते हैं ना वो यूज कलेक्ट नहीं करता, वो जमा नहीं करता। अब बिलाल ये काम नहीं करता तो हम क्या बोलेंगे, सलीम एक्सप्लेन्स दैट। सलीम ने एक चीज़ को हमारे लिए बयान किया, एक्सप्लेन किया कि बिलाल डज नॉट कलेक्ट स्टिक्स या डिड नॉट कलेक्ट स्टिक्स। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, जाहिर सी बात है कि अगर बिलाल जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात है तो वो हमेशा समझ जाएगी। अब यहाँ पे बिलाल जो है वो कलेक्ट नहीं करता, ठीक है, हम अगर कहेंगे डिड नॉट कलेक्ट, ठीक है, तो ये गलत होगा, यहाँ पे ये सही होगा डज नॉट कलेक्ट स्टिक्स, क्योंकि वही चीज़ है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिलाल जो है अभी दो मिनट पहले स्टिक्स वो नहीं करता था, जमा नहीं करता था, अब अचानक से उसको शौक हो गया कि मुझे जमा करना है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये वाला सेंटेंस आएगा। बिलाल डज नॉट कलेक्ट स्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रुबीना, और रुबीना क्या कह रही है, माय ब्रदर ऑफन डाउनलोड्स द लेटेस्ट न्यूज़। मेरा जो भाई है वो अक्सर जो लेटेस्ट का मतलब है अभी अभी जो वो होते हैं ना इंट्रोड्यूस होता है कोई चीज़ नया मार्केट में आता है, और ट्यून्स जो है वो तो पता है कि साज और गाने इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं। तो वो कहता है कि मेरे भाई अक्सर जो नया नया गाना आता है या नया नया कोई म्यूज़िक आता है ट्यून आता है तो उसको वो अक्सर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, नेट से। तो अब इसको हम बताएंगे कि रुबीना एडिड दैट, रुबीना ने एक नई बात बताई, इजाफा किया, क्या कहा कि ब्रादर, हर ब्रादर ऑफन डाउनलोड्स द लेटेस्ट ट्यून्स, या फिर हर ब्रादर ऑफन डाउनलोडेड द लेटेस्ट ट्यून। अगर हम डाउनलोडेड का बोलेंगे तो इसका मतलब है वो करता था, अभी नहीं करता। अगर हम ये बोलें कि डाउनलोड्स द लेटेस्ट ट्यून तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि उसका भाई पहले भी करता था, अब भी करता है, क्योंकि उसको ये चीज़ पसंद है,
यहाँ पे ये चीज़ सही उसमें आता है, मीनिंग में आता है। अब यहाँ पे भी बिलाल की जो बात हुई है कि वो कलेक्ट नहीं करता था, वो यहाँ पे हो तो वो एक ये वाला अगर हम यूज़ करते हैं ये सेंटेंस, तो इसका मतलब है कि एक मुख्तसर वक्त तक वो कलेक्ट नहीं करता था, अब करता है, हो सकता है करता हो सकता है नहीं करता। लेकिन अगर ये हम यूज़ करें तो वो अभी भी जारी है अपने काम पे और वो अभी भी इसको नहीं करता कलेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है इसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो 4th पार्ट है रिवीजन का, क्लास 7 के रिवीजन का, उसमें क्या है, उसमें ये दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है। अब एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। लेट्स सी, जमील बायज द फूड। इसका मतलब क्या है उर्दू में, कि जमील फूड खाना होता है तो खाना खरीदता है। अब पैसिव वॉइस में उन्होंने क्या लिखा है, द फूड इज बॉट बाय जमील। इसका क्या मतलब बनेगा, खाना जमील के ज़रिए ख़रीदा गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में इस तरह से मतलब बनेगा। तो हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं, उनमें क्या है, सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट बनने से पहले उसके सामने दी लगेगा, ठीक है, ये जो द है या दी आप बोलते ये लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है, तैमीना washes the dishes, ठीक है। अब dishes क्या है हमारे पास, ये object है तो ये subject बनेगा, और इससे पहले क्या लगेगा, the लगेगा, the dishes अब dishes है क्योंकि ये प्लूरल है तो इस वजह से आर लगेगा इसके बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे फूड सिंगुलर था तो इज लगा, यहाँ पे आर, ये तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देखोगे कि इज लगेगा आर लगेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारे पास वाशिज है इसका थर्ड फॉर्म लगेगा ईडी के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाय का बॉट है, ईडी तो नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म बॉट है, लेकिन वाशिज का वॉश्ड है, ठीक है, डब्ल्यू ए S H E D washed, the dishes are washed, फिर by लगेगा, ठीक है। आपने पहले object को subject करना है और इस subject से पहले the लगाना है, ठीक है, the लगा लिया, फिर object को subject बना दिया, फिर जो आपका verb होगा helping verb वो आप देखोगे इस अपने object को कि ये plural है या singular, singular हुआ तो is, अगर plural हुआ तो are, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो वर्ब है, वर्ब आपका जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है, ये हो गया थर्ड फॉर्म। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे पहले आपने बाय लगाना है, ये हो गया बाय, और फिर सब्जेक्ट लिखना है तैमीना। एंड फिर फुल स्टॉप, और ये हो गया हमारा सेंटेंस। पैसिव वॉइस बन गए, द डिशेज आर वॉश्ड बाय तैमीना। नेक्स्ट हमारे पास जो है, मारिया प्रिपेयर्स द फूड। मारिया खाना बनाती है या तैयार करती है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे सबसे पहले द पैसिव वॉइस में, फिर आपका ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है, ये हो गया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आपके पास फूड है सिंगुलर है तो इज, द फूड इज, अब प्रिपेयर्स है तो प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म होगा, वो लिख लेते प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये हो गया प्रिपेयर्ड, फिर बाय, बाय भी सब में लिखेगा, और फिर आपका सब्जेक्ट कौन है, मारिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया है मारिया। पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में पहले द लगाना है, फिर जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया है उसको सब्जेक्ट करके हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपने क्या करना है,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, जो भी वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। फिर क्या करना है, बाय लगाना है। बाय लगाने के बाद आपने जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मदर क्लीन्स द किचन, तो आप द किचन, किचन अब क्लीन्स है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लीन। ये भी ईडी वाला है, ठीक है। क्लीन हो गया बाय मदर, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब है माय फादर पेज द बिल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले द लिखना है, बिल्स लिखना है, आर क्योंकि प्लूरल है, ठीक है प्लूरल है। अच्छा यहाँ पे इज लिखना मैं भूल गई, द किचन इज क्लीन। द बिल्स आर, बिल्स आर अब पेज है तो पेड होगा, ठीक है पेज की जगह क्या होगा, पेड, थर्ड फॉर्म ऑफ पेड, पेड बाय किसने किया है, बाय माय फादर, ठीक है माय फादर। और इसके साथ ये हो गए सारे पैसिव वॉइस कंप्लीट। तो हमारा रिवीजन हो गया, रिवीजन हो गया है, तो इस जो हमारा आज का वीडियो था वो इसी दो पार्ट्स, हमारा जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है उसको करने के लिए था, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था और फोर्थ जो था उसको करने के लिए आज का वीडियो था। वीडियो तो अभी ख़त्म हो गया, आज का लेसन इतना ही था, ओप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा किस चीज़ के ऊपर होगा, नेक्स्ट हमारा इस ब्यूटीफुल पोइम पे होगा कि द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप पोइम, जो यूनिट हमारा 1 है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट तो कर दें, क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए कि मैं कैसा कर रही हूँ और मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।